नमस्कार सभी को। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं साइट पे, जिसमें हमारा जो है आज डीएलसी लेइंग करते हैं, कैसे करते हैं वो बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको डीएलसी का कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बता देना चाहूँगा। डीएलसी का मतलब होता है ड्राई लीन कंक्रीट, जिसका स्लम्प जो होता है जीरो स्लम्प की कंक्रीट रहती है। इसमें स्लम्प जो है बिल्कुल नहीं रहता है, मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है बहुत कम रहता है। मतलब ओएमसी जो होता है वो हम डिसाइड कर लेते हैं, जस्ट उतना कि आपका लेइंग हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब स्लम्प बिल्कुल जीरो, जीरो स्लम्प की कंक्रीट होती है। उसके बाद इसमें जो रहता है सीमेंट, मिनिमम 150 केजी रखना रहता है, और जब फ्लाई एश के साथ यूज करेंगे तो मिनिमम 120 केजी होना चाहिए। फ्लाई एश जो है आप 20% तक यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो होता है अभी हमारा कोर्स एग्रीगेट का जो नॉमिनल साइज है, मैक्सिमम जो साइज है 26.5 रहता है। 26.5 से ऊपर की एग्रीगेट साइज इसमें अलाउ नहीं है। बाकी पूरा डिटेल्स एग्रीगेट एनालिसिस जो करना है तो आपका मोर्थ का सेक्शन, मोर्थ का टेबल नंबर 601 में दिया हुआ है कि कौन सी ग्रेड की आपका ये कोर्स एग्रीगेट का सीव एनालिसिस पूरा उसमें दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बाकी उसके बाद में आपका जो होता है इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस दी हुई हैं। जैसे लिमिटेशंस में इसका लेवल का जो टॉलरेंस रहता है 6 mm की टॉलरेंसेस रहती है। बाकी जब आप लेइंग करते हैं तो उस समय में आपको इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पेपर ही होना चाहिए, और जब आप रोलिंग करते हैं तो रोलर जो रहता है डबल ड्रम का रोलर एस्टेटिक जो 80 से 100 kN तक का रोलर रहता है। उसके बाद में आपका जो डीएलसी का नीचे की जो ड्रेनेज जीएसबी की लेयर रहती है उसका भी जब हम लेइंग करने जाएंगे उस समय उससे पहले एक वाटर का स्प्रे करते हैं, उसके बाद में रोलिंग कर ले, मतलब एक प्लेन पाथ पहले से हमारा कॉम्पैक्टेड है, बट जब भी हम डीएलसी करेंगे उससे पहले हमको ये प्रोसेस करना रहता है ताकि आपका बेड जो है एकदम स्मूथ हो जाए और उसके ऊपर से हम डीएलसी की लेयर स्प्रेड कर दें। बाकी डीएलसी की लेयर स्प्रेड करने के बाद हमारा रोलिंग का प्रोसेस होता है, और उसके बाद आप फिर उसके बाद एफडीडी वगैरह टेस्ट करके चेक करते हैं। उसमें एक हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है टेम्परेचर, जिसमें डीएलसी का जो टेम्परेचर रहता है कंक्रीट का टेम्परेचर बिलो 30 रहना चाहिए। और बिलो 30 मतलब 25 से अगर 30 के बीच में आपका कंक्रीट टेम्परेचर आ रहा है तो उस सिचुएशन में आपका जो कंक्रीट का पहला बैच गिरता है गाड़ी में और लेइंग करते हैं उसका जो टाइम होता है मैक्सिमम 90 मिनट रहता है, अब उससे ऊपर का नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर आपका कंक्रीट का टेम्परेचर बिलो 25 है तो उस सिचुएशन में आप 120 मिनट तक का लेइंग टाइम बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें एक उसके बाद में जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है वो जब हम लेइंग कर रहे हैं तो 35 से अधिक नहीं रहना चाहिए। अगर आपका सपोज एम्बिएंट टेम्परेचर 30 से प्लस है तो उस सिचुएशन में आप डीएलसी की लेइंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं मौसम बहुत सुहाना है, उस सिचुएशन से हमारे डीएलसी के लिए बहुत बढ़िया है। अगर यही से टेम्परेचर ज़्यादा रहता था तो हम लोग डीएलसी नहीं कर पाते थे। जो हमारा लिमिटेशन में एक पॉइंट रहता है ये मॉइस्चर का, तो मॉइस्चर जो हमारा होता है ओएमसी से मैक्सिमम 2% ज़्यादा रह सकता है, इससे ज़्यादा परमिसेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्यूब की स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 5 क्यूब का जो एवरेज होता है वो 10 MPa से बिलो नहीं रहना चाहिए, और एक सिंगल क्यूब का करने जाएंगे तो 7.5 MPa से बिलो नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं क्यूरिंग पे। क्यूरिंग जो इसका रहता है वो 7 डेज मिनिमम, आपको 7 डेज का क्यूरिंग करना है। आपको पूरा गनी बैग स्प्रेड करके उसमें ऊपर 7 डेज पूरा अच्छे से क्यूरिंग करना है। और इसमें जो ट्रैफिक अलाउंस की बात आती है तो पहले तो आप ट्रैफिक अलाउंस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है अलाउ कर सकते हैं, बट कहीं आपको इमरजेंसी है तो उस सिचुएशन में आप लाइट व्हीकल अलाउ करेंगे, वो भी 7 डेज के बाद ही, उससे पहले नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो कंपेक्शन का रहता है, कंपेक्शन का जो हमारा डेंसिटी डिसाइड होता है जब ट्रायल लेंथ हम ट्रायल पे जब इसका ट्रायल करते हैं उसके हिसाब से हमारा MDD निकल के आता है, और उस MDD के हिसाब से हम अपना साइट पे टेस्ट करते हैं FDD जो फील्ड ड्राई डेंसिटी और कंपेक्शन फैक्टर हमारा आता है वो। बाकी आज हम आप लोगों को पूरा कैसे करते हैं एक एक स्टेप दिखाने वाले हैं और करके बताएंगे डीएलसी लेइंग कैसा होता है, उससे टेस्ट तक की प्रोसेस पूरा आपको बताएंगे आज। और ये हमारे हैं शिवम सर, डीएलसी PQC इंचार्ज। आज इन्हीं के द्वारा हमारा जो है डीएलसी जो साइड पे लेइंग करते हैं। और देखिए डीएलसी लेइंग में जो पहला प्रोसेस होता है वो पॉइंट सेंटर लाइन मार्किंग की, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चूने की मार्किंग है, और एवरी 10 मीटर्स पे जो है हमारा मार्किंग किया रहता है।
और ये मार्किंग जो हमारा डिसाइड होता है कि आप इससे उधर नहीं कर सकते, और इससे लेके हम जो है हमारा जो यहाँ पे पीक्यूसी करना है वो 5 मीटर का पीक्यूसी करना है। तो 5 मीटर का पीक्यूसी करने के लिए हमको बोथ एंड पे मोर्थ के हिसाब से 0.75 मतलब 750 mm एक्स्ट्रा करना रहता है। उस हिसाब से हमको यहाँ पे जो विड्थ डीएलसी की होनी चाहिए वो 6.5 मीटर की रहनी चाहिए। 6.5 मीटर के लिए हम लोग वहाँ से लेके ये जो हमारा विड्थ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आउटर एज का जो है वो 6.5 मीटर की है, और उसी 6.5 मीटर का हम लोग पूरे छीने से लाइन लगा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें आपका लेवल तो सेंसर से चलता है बट स्टेयरिंग जो है इसको मैनुअली चलाना पड़ता है ये पेवर में जो डीएलसी लेइंग करते हैं। तो उसके लिए हमको जो लाइन एकदम फिक्स कर देना रहता है और उसी के बीच में हमको डीएलसी लेइंग करना रहता है। तो ये पहला जो हमारा प्रोसेस है वो पूरा हो गया। उसके बाद में हम पैक का फिक्सिंग करते हैं। पैक रोड फिक्सिंग करने के बाद उसके ऊपर में हम लोग लेवल ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि पैक कैसे फिक्स करते हैं। अभी हम आप लोगों को पैक फिक्स करके दिखाएंगे, पैक फिक्सिंग का जो रहता है। अभी जहाँ तक हमको डीएलसी करना है वहाँ से 1 मीटर आउटर में पैक फिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा 1 मीटर आ रहा है, यहाँ पे हम पैक को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अभी ये यहाँ से हमारा आउटर से 1 मीटर देखिए 1 मीटर का पैक लगा हुआ है और ये बिल्कुल अच्छे से लग गया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और इसमें जो पैक में दो चीज़ रहता है, एक तो आपका ये जो है हॉरिजेंटली मूवमेंट होता है और एक वो ये इसको ऊपर नीचे करते हैं वर्टिकल मूवमेंट। इससे हम क्या होता है लेवल को एडजस्ट करते हैं। अभी जब हम इस पर लेवल ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लेवल ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको ऊपर नीचे करने के लिए ये वाला इसको लूज़ करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इस पर लेवल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी हम दिखाएंगे। इसको हम लेवल जो है यहाँ से 2 mm बाहर पे हम लोग दे देते हैं, तो इसको ये वाला स्क्रू को टाइट कर देंगे जिससे हमारा जो है ये 200 पे हमारा हॉरिजॉन्टली फिक्स हो गया। अभी वर्टिकली का जो है हमारा लेवल ट्रांसफरिंग का है वो भी हम ऑटो लेवल से लेवल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो दिखाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे लेवल ट्रांसफ़र करने के लिए अपना पैक रोड पे। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ऑटो लेवल मशीन है और उधर में जो है हमारा पैक पे लेवल ट्रांसफ़र करना है। अभी हम ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इस सिचुएशन में हमारा जो HI कैलकुलेट करके आए हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है अपना 402.073 ये हमारा HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब उसमें से हम माइनस किए हैं 130 mm। ये 130 mm क्यों माइनस करते हैं, आपका जो DLC लेयर होता है उसमें आपका 100 mm का फ्री बोर्ड देते हैं, उसके बाद में 30 mm का क्या रहता है। अभी कंपैक्शन फैक्टर हम यूज़ कर, जैसे हम जो DLC लेइंग करेंगे उसमें 30 mm जो हमारे 20% के हिसाब से 150 mm का है तो हमारा 30 mm का कंपैक्शन फैक्टर है, इसलिए हम इसमें 130 mm माइनस कर दिए जिससे क्या है हमारा लेइंग होने के बाद टब का सरफेस जो है हम दोनों साइड में लाइन डोरी रख के और हम अपना टेप से चेक करेंगे जिससे हमारा पीछे का लेवल बराबर आ रहा है कि नहीं वो चीज़ हमको डिसाइड हो जाएगा। अभी हमने HI से हम माइनस कर लेंगे, अपना जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हम लोग 680 का लेवल देने वाले हैं। 680 चेनेज का हम लोग लेवल ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसमें 400.897 आया हुआ है। उसके हिसाब से हमको जो रिक्वायर्ड स्टाफ रीडिंग चाहिए 1.046। इसमें क्या होता है HI में से ये रीडिंग माइनस कर देंगे तो आपका जो है रिक्वायर्ड स्टाफ रीडिंग क्या है वो पता चल जाएगा। उसके बाद में हम अपने स्टाफ वाले लड़के को भेजेंगे उस चेनेज पे। अभी कितना आया 1.046 हमको रिक्वायर्ड लेवल है। अभी हम वो चीज़ आपको ट्रांसफ़र करके देखेंगे। ये देखिए इससे हम एडजस्ट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली। ये हमारा जो लेवल है बिल्कुल ट्रांसफ़र हो गया एग्जैक्ट पॉइंट पे। ये हमारा लेवल जो है उस पर ट्रांसफ़र हो गया पैक पे। अब वो चीज़ हम आगे चेक भी कर लेंगे। अभी आगे देखिए वैसे ही पूरे पॉइंट पे हम लोग लेवल ट्रांसफ़र कर लेंगे, उसके बाद में हम लाइन डोरी पकड़ के उसको आगे चेक कर लेंगे कि जो हमारा DSB का बेड है वो सही है कि नहीं, वो भी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। चेक कर रहे हैं कि सही बना है कि नहीं नीचे का बेड। तो अभी दोनों साइड से हमने लेवल ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद में अब लाइन डोरी लगाए और हमको जो रिक्वायर्ड है 280 mm है। 280 mm क्यों है, 150 mm का हमारा DLC है और 100 mm हम लोग फ्री बोर्ड रखें और 30 mm जो है हमारा वो कंपेक्शन का है क्योंकि वो दबने के बाद हमको मिलेगा, इसलिए हम लोग 200 रिक्वायर्ड जो लेवल है 280 mm है। अभी आप देख पा रहे हैं 200, 250, 260, 270, 280 एग्जैक्ट 280 mm मतलब GSB की जो बेड है वो हमारा सही बना हुआ है। अब नेक्स्ट इसके बाद में हमारा लेइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
हमारा है लेइंग का प्रोसेस यही से स्टार्ट हो जाता है। अभी देख पा रहे होंगे एक ट्रिपर तो हमारा लगा हुआ है और दो 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 तीन ट्रिपर जो है हमारा लोड डीएलसी का लोड लेके खड़ा है। वो भी हम चाहेंगे उधर दिखा के कैमरामैन को वो दिखा दें। डीएलसी की गाड़ी लोड खड़ी हुई है, दो लोड खड़ा है और ये एक लोड हमारा जो है रनिंग में है डीएलसी जो हमको करने का है। तो देखिए डीएलसी करने से पहले जो हमारा टीपर भी होती है उसको अच्छे से क्लीन करना रहता है ताकि पहले से पुराना कुछ कंक्रीट लगा ना रहे और उसमें कुछ मड पार्टिकल ना रहे, बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। जितना बार हम लोडिंग डीएलसी कंक्रीट के लिए भेजेंगे टीपर को एकदम चेक करने के बाद ही भेजेंगे, क्योंकि वो रहने से हमारा क्या होता है कि वॉइड्स रह जाता है और हमारे कंक्रीट को ख़राब कर देते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे अच्छे से हमने हमारा ये लेइंग चालू हो गया है। देखिए ये जो हॉपर में डायरेक्ट इसका मटेरियल गिर रहा है टीपर से और ऐसे ही करते हुए ये रोलिंग, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पेवर है, इसी पे हमारा जो है ये जो है सेंसर है हमारा लेवल इसी पे चल रहा है, मशीन पूरा सेट है। और इसका जो अभी ये देखिए ये जो हमारा पैनल लगा रहता है दोनों साइड ये पैनल लगा रहता है जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये ए और एम, ए मतलब ऑटो और ये होता है मैनुअल। अभी हमारा जो पेवर है और ऑटो में चल रहा है मतलब दोनों लेवल साइड फिक्स है और उसी के हिसाब से हमारा पेवर चल रहा है। अगर हमको मैनुअल से एडजस्टमेंट करना होगा तो मैनुअल करके इसे प्लस से ऊपर लेवल अगर उठाना है तो हम इसे उठा सकते हैं और इसे डाउन कर सकते हैं। वाला है हमारा सेकेंड साइड का जो राइट साइड का है लेवल सेंसर लगा हुआ है जिसका वायर कनेक्ट रहता है और वहाँ पे हमारा वायर के ऊपर में पूरा लेवल चल रहा है और इसमें जो है ऑगर रहता है जिससे कंक्रीट पूरा उधर से ट्रांसफर होके ये पूरा लेइंग स्प्रेड हो रहा है। और इसमें एक जो होता है टेम्प हैमरिंग मतलब वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से क्या होता है कि आपका 80% तक तो कंक्रीट यहीं से कॉम्पेक्शन हो जाता है। उसके बाद में ये हमारा डीएलसी का बेड रेडी है और पीछे हमारा रोलर चल रहा है और ये हमारे इंचार्ज हाईवे इंचार्ज पंकज श्रीवास्तव है। हम ऊपर चलेंगे अपना पेवर मशीन के ऊपर में, उसमें क्या फंक्शन रहता है वो भी जानेंगे। और हमारा आज का ऑपरेटर है मनोज, ये डीएलसी का हमारा ऑपरेटर है, इसके बारे में हम इनसे जानेंगे कैसे काम करता है, इसमें मेन फंक्शन क्या क्या रहता है उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको किससे चलता है। पहले तो ये है ये पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है ओके। उसके बाद ये है इससे आगे और पीछे होती है ओके। और ये इसकी स्पीड है ओके। और ये इसका स्टीयरिंग है इससे लेफ्ट और राइट ओके चलती है। उसके बाद ये फंक्शन है पहले लाइट का ओके। हाँ जी ये इमरजेंसी लाइट है और ये आगे की लाइट है ओके। हाँ जी ये मेन है हाई लो। इसमें मटेरियल कैसे लेता है अंदर? मटेरियल सर कन्वेयर से, कन्वेयर ये दिया है कन्वेयर ओके ओके। कन्वेयर बेल्ट से पूरा मटेरियल पीछे जाता है और ऑगर जो रहता है उसको स्प्रेड करके दोनों साइड मटेरियल को फैला देता है। ये ऑगर का, ये ऑगर के लिए इससे चालू होता है ऑगर हमारा। ये इसके ऑगर का ये बैक है ओके। ऑगर लाइट है हाँ। ये फंक्शन जो इधर है वो इधर दे रहा है। ये फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है? ये सर जैसे इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम पड़ गया तो इमरजेंसी मार कर मशीन वहीं रुक जाए ओके। ये जो हमारा फंक्शन है इमरजेंसी, हमको कहीं पेवर रोकना हुआ तो इस बटन को हम उठा दिए तो हमारा पेवर मशीन इमरजेंसी में रुक जाएगी। अभी सेकंड हमारा जो है डीएलसी का मटेरियल खाली करने के लिए रेडी हो गया है। ये डीएलसी का पहला हॉपर में हमारा मटेरियल गिर चुका है, अभी देख पा रहे होंगे। और धीरे धीरे हमारा जो पेवर है आगे की तरफ में बढ़ रहा है जिससे क्या हो रहा है हमारा डीएलसी का जो है लेइंग हो रहा है। आप देख रहे एक एक पॉइंट आपको दिखेगा। अभी ऑगर के द्वारा पूरा आउटर तक हमारा मटेरियल जा रहा है और चूना लाइन जो दी है उससे बाहर हमारा लेइंग नहीं होना चाहिए, वो जो है हमारा फिक्स है और वो चूना लाइन के ऊपर ही हमारा इनका स्टेयरिंग चलता है, उसी को देख के उससे इधर उधर नहीं जाना है जिससे क्या होता है कि हमारा लेइंग एक प्रॉपर जो हमारा फिक्स विड्थ है उसी में होता है, उससे बाहर नहीं जाता है। अब इस साइड भी सेम कंडीशन है, आप देख पा रहे होंगे इधर हमारा ऑगर से मटेरियल कैसे जा रहा है, पूरा लास्ट तक पहुँच रहा है और पीछे एकदम लेवल होते जा रहा है। ये अभी हमारा जो है डीएलसी का लेइंग हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे इधर हमारा लेइंग है। अब हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। जैसा कि हमको मालूम है कि एम्बिएंट टेम्परेचर डीएलसी लेइंग करने के लिए आपको बिलो 35 चाहिए मोर्थ के गाइडलाइंस के हिसाब से और आपका जो है कंक्रीट का टेम्परेचर जो है बिलो 30 रहना चाहिए। तो अभी इसमें कॉन्क्रीट का टेम्परेचर कितना आ रहा है वो भी हम चेक करेंगे और अपना जो है ये एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है अभी देखिए इसमें 26 ये हमारा आया कंक्रीट का टेम्परेचर। और एम्बिएंट टेम्परेचर जो है हम वो भी चेक करेंगे कितना है रहा है। अभी एक बार इसको हम ऑफ ऑन कर देंगे
उससे हमारा पता चल जाएगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। एक्चुअली देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर 21.1, मतलब थोड़ा रिड्यूस ही हो रहा है, मतलब बिलो 35 है। आप आराम से इस वेदर में डीएलसी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये हमारा टेम्परेचर के हिसाब से पूरे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अब देख पा रहे होंगे इधर कितना बेहतरीन हमारा सरफेस आया हुआ है, और इधर देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी इसमें जो है वॉइड्स वगैरह नहीं है। अभी रोलिंग होने के बाद पूरा अच्छे से ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अभी हमारा रोलिंग के लिए चालू हो जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसका जो रोलर जो हमारा रहता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 80 न्यूटन से 100 किलो न्यूटन तक का रोलर रहना चाहिए। जैसे कि डबल ड्रम, ये हमारा रोलर है हैम कंपनी का, आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा जो है 80 किलो न्यूटन का स्टैटिक रोलर है। अभी देखिए रोलिंग चालू स्टार्ट हो गया है, अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारा रोलिंग। और इसका रोलिंग का जो होता है, आपका लैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। 1/3 जो होता है सेकंड ड्रम में, जब अभी ये ड्रम हो गया, इससे ज़्यादा सेकंड टाइम जब रोलिंग करने जाएंगे तो आपका 1/3 जो है इसका लैपिंग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रहता है, इनर एज से आउटर एज में जाना चाहिए रोलिंग करने के लिए। अभी इनर से हमारा आउटर की तरफ में रोलिंग हो रहा है, और पीछे आपका ये भी सरफेस दिख रहा होगा जिधर हमारा रोलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम FDD टेस्ट लगाते हैं। FDD टेस्ट में अगर हमारा पास हो गया तो हमें आगे रोलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कुछ पास हुआ तो फिर अलग से हमको अनदर रोलिंग का 1-2 पास एक्स्ट्रा मारना पड़ता है, जिससे हमारा क्या है जो अपना रहता है, आपको ये जब हम ट्रायल पैच करते हैं उस टाइम में हमारा डिसाइड होता है कि कितना पास करना है। जनरली इसका जो प्रोसेस है, पहले एक प्लेन पास लगाते हैं, 2 लो 2 हाई, उसके बाद में फाइनली हम एक प्लेन पास मारते हैं। तो गाइज आज का हमारा वीडियो पूरा DLC कैसे करते हैं, बिगनिंग से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताया आपको, और आशा करते हैं कि ये वैसे समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।